हम जगन्नाथ भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जगन्नाथ भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। धरती का वैकुंठ है भक्तों ये तो माना जाए, श्री हरि विष्णु ने की थी यहाँ पे कई कलाएं। द्वापर में वो बनकर आए श्री कृष्ण भगवान, बहन सुभद्रा थी उनकी और भाई बड़े बलराम। उसी रूप में आज यहाँ वो पूजे जाते हैं, विश्वकर्मा जी खुद इनका ये रूप बनाते हैं। मालव देश के एक राजा थे इंद्रदुम्न था नाम, उन्होंने ही करवाया था इस मंदिर का निर्माण। पूरी कथा अब हम विस्तार से तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। इंद्रदुम्न तो श्री हरि विष्णु का उपासक था, यज्ञ हवन वो करता अनेकों धर्म का रक्षक था। समय समय पर करता रहता यज्ञ हवन पुण्यदान, उसकी भक्ति से प्रसन्न थे खुद विष्णु भगवान। एक सरोवर का निर्माण थी उन्होंने है करवाया, श्री हरि की भक्ति को है अपना ध्येय बनाया। इंद्रदुम्न की पत्नी भी तो उनका साथ निभाए, धर्म के सारे कामों में ही अपना हाथ बटाए। इंद्रदुम्न के सपनों में एक दिन हरि आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। अपने में आकर एक मेरा मंदिर बनवाओ, विग्रह रूप को इंद्रधुम्न तुम उसमें मेरा सजाओ। श्री हरि नारद मुनि को लगे हैं ये कहने, पूर्ण श्रद्धा भाव करके व्यक्ति अपने मन में कर स्नान आदि श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए। निराहार रह पूरे दिन ना कुछ भी खाना चाहिए, गाय का गोबर लेकर करे पूजा स्थल पाई,
अपना अल्पना पूजा के लिए जाए चौकी बिछाई। पूरी विधि अब नारद जी हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। मंदिर का निर्माण तो है पूर्ण होने को आया, इंद्रदुम्न पर विग्रह रूप को खोज नहीं पाया। भेज दिए कुछ अपने सेवक नीलांचल पर्वत पर, बोले के तुम विग्रह रूप को ला दो मुझे खोज कर। एक ब्राह्मण था उसमें जिसका विद्यापति था नाम, सोचा उसने पूरा करूंगा इंद्रधुम्न का काम। भटक गया पर वो जंगल में रास्ता जान न पाया, एक शेर फिर विद्यापति के सामने है आया। देख शेर को विद्यापति घबरा ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। करके हमला शेर ने कर दिया विद्यापति को घायल, सबर कबीले की एक कन्या आ गई है उसी पल। प्राण दाता वो विद्यापति की बन कर आई है, विद्यापति की शेर से उसने जान बचाई है। घायल विद्यापति को अपने कबीले में लाई, अपने पिता को कन्या ने सब बातें बतलाई। कोई मुसाफिर है अनजान जो रास्ता भटक गया, शेर से हमला कर दिया था इसे मैंने बचा लिया। करो तुम इसकी सेवा उसके पिता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। कबीले का सरदार था उस कन्या का पिता, विद्यापति को बातों ही बातों में लगा पता। जख्मों पर वो विद्यापति के मरहम रोज लगाती, उसकी सेवा विद्यापति के मन को गई भाती। उसी कबीले के लोगों से घुल मिल बड़ा गया, और उसी कन्या का हाथ है पिता से मांग लिया। पूछा उसके पिता ने तो कन्या है शर्माई, जान
सहमति उन दोनों की, फिर तो करी सगाई। कुछ ही दिनों में दोनों का वो ब्याह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विश्ववसु था भक्तों उस कन्या के पिता का नाम, विद्यापति को भी ये याद था जो करना था काम। विग्रह रूप को श्री हरि के खोजने आया था, इंद्रधुम्न का दिया काम वो भूल न पाया था। विश्ववसु को सबर कबीले ने सरदार था माना, विग्रह रूप का मुख्य पुजारी विद्यापति ने जाना। किंतु विग्रह रूप के दर्शन किसी को नहीं कराते, करके पूजा उसे गुफा में फिर से वही छुपाते। कोई और ना देखे कबीले वाले चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप को श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विद्यापति तो मन ही मन था रहा योजना बनाए, विग्रह रूप को श्री हरि के कैसे पाया जाए। एक दिन बोला पत्नी से एक बात मेरे मन में, विग्रह रूप के मुझको भी तो दर्शन है करने। अपने पिता के पास में जाकर कन्या कहने लगी, विग्रह रूप के दर्शन करना चाहता विद्यापति। विश्ववसु बोला उसको दर्शन करवाऊंगा, पर आंखों पर पट्टी बांध कर गुफा ले जाऊंगा। गुफा का रास्ता हम तो किसी को ना बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। विद्यापति ने हामी भर ली हो करके मजबूर, किंतु मन में सोच लिया जानूंगा रास्ता जरूर। अति चालाक था विद्यापति उसने सोची युक्ति, कुछ सरसों के दानों से अपनी भर ली मुट्ठी। आंख बधा कर विश्ववसु के साथ तो चला गया, पर सरसों के दानों को रास्ते में गिराता गया। विश्ववसु तो उसकी चाल को समझ नहीं पाया, खोली पट्टी गुफा में जाकर दर्शन करवाया।
उस सरसों के कुछ दिन में पौधे उग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। फिर एक दिन विद्यापति सुबह जल्दी उठ गया है, उगी राह में सरसों गुफा की ओर वो चल दिया है। बोली पत्नी सुबह उठकर कहाँ लगे जाने, बोला फूल है सरसों के बालों में तेरे सजाने। देखते देखते सरसों को वो गुफा में चला गया, विग्रह रूप को श्री हरि के उसने चुरा लिया। किंतु उसकी पत्नी तो पीछे आ जाती है, भला बुरा भी अपने पति को खूब सुनाती है। करके चुप उसे विग्रह रूप को पर ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। विश्वासु को अगले दिन है जब यह पता लगा, विद्यापति ने उनके विग्रह को है चुरा लिया। दुखी होकर बोला तुमने बेटी ये क्या किया, विद्यापति को विग्रह रूप है क्यों ले जाने दिया। बेटी को भी कबीले से कर दिया निष्कासित है, किंतु विग्रह रूप तो चोरी हो गया तब तक है। विश्ववसु से बोले हरि मैं वापस आऊंगा, चोरी करके जो ले गया वह रह ना पाऊंगा। इंद्रधुम्न फिर विग्रह रूप को देखने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। विद्यापति ने बोला था मैं विग्रह रूप लाया, इंद्रधुम्न को किंतु रूप वो वहां नहीं पाया। इंद्रधुम्न के सपने में है फिर से हरि आए, बोले के चोरी की चीज तो कहीं न टिक पाए। सागर तट पर तैर रहा है एक पेड़ का तना, उसी तने से विग्रह रूप मेरा दूजालो बना। विश्ववसु के बिना उसे कोई उठा ना पाएगा, प्रायश्चित तेरा इंद्रधुम्न पूरा हो जाएगा। इंद्रधुम्न फिर विश्ववसु को ही बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे
वसु बड़ी आसानी से उसे उठा लाए। इंद्रधुम्न से बोले अब लो विग्रह तुम बनवाए। इंद्रधुम्न ने कुशल कारीगर कितने बुलवाए, किंतु छेनी तक उस तने को कोई लगा ना पाए। विश्वकर्मा जी बन कर आए एक वृद्ध कारीगर, बोले उनसे विग्रह का निर्माण मैं दूंगा कर। इंद्रधुम्न से बोले के बस शर्त है एक मेरी, कोई भी ना देखे जब तक मूर्ति ना हो पूरी। उनकी बात से सहमत इंद्रधुम्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। बूढ़े कारीगर को एक कमरे में बंद किया, बोले इंद्रधुम्न से विग्रह लो यही बना। कर दूंगा बंद दरवाजा यह कोई ना आएगा, विग्रह का निर्माण भी बाबा देख न पाएगा। विश्वकर्मा जी फिर तो वे गृह रूप बनाने लगे, कारीगरी की उस कमरे से आती आवाजें। 10 दिनों तक उस कमरे से आवाजें आई, लेकिन 11वें दिन तो कुछ भी दिया नहीं सुनाई। कारीगर के विषय में वो चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि फिर पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। इंद्र देव ने फिर कमरे का दरवाजा खुलवाया, देखी अधूरी 3 मूर्ति पूरी ना कोई पाया। इंद्रधुम्न भी जान गए वह खुद विश्वकर्मा थे, आधी अधूरी ही मूर्ति जो बना के चले गए। सोचा इंद्रधुम्न ने शायद हर की है इच्छा, मंदिर में फिर वही मूर्ति स्थापित दी करवा। वो ही विग्रह रूप हरि का पूजा यहाँ जाए, बलभद्र और सुभद्रा के संग हरि यहाँ आए। जगन्नाथ में 3 आरोपी पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। एक कथा और इसी रूप की भक्तों बड़ी पुरानी, माता यशोदा देव की और सुभद्रा की ये कहानी। तीनों मिलकर एक बार है द्वारका नगरी आई, सिर
कृष्ण की रानियों ने ये कथा है सुननी चाहिए। बाल लीलाएं कैसे करते कृष्णा गोकुल में, अब तक बसी हुई है राधा क्यों उनके दिल में। बोली माता सुना तो बचपन की हर एक कहानी, यशोदा ने बड़ा मना किया पर बात वो नहीं है मानी। बोली कि हम बचपन उनका जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। माता बोली कथा ये कोई और न सुन पाए, पहरेदार सुभद्रा को फिर द्वार पे दिया बनाए। बाल लीलाएं कृष्णा की कहने लगी माता, सुनकर सबका मन ही बच्चे जैसा हो जाता। बैठी द्वार पे सुभद्रा भी उस कथा को सुनती जाए, पता चलाना कृष्णा और दाऊ कब आए। सुनकर कथा को सबकी आंखों से आंसू छलके, बलभद्र और कृष्णा की रह गई बच्चे बनके। इसी रूप में श्री हरि अब यहाँ समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे जगन्नाथ भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। सारे जग के नाथ है ये तो जगन्नाथ तब कहते, श्री हरि विष्णु जाने क्या क्या लीलाएं करते। ऋषि मुनि भी इनकी महिमा जान नहीं पाए, वेदों और पुराणों से नबखान करी जाए। हंस राज रल हन तो आपके रूप को ध्याता है, डीएस पाल भी गाते गाते भावुक हो जाता है। शत शत नमन तुम्हें करता है फौज सुरेश कुमार, सारे जग के श्री हरि जी तुम हो पालनहार। आपकी जो कृपा हो तो भव से तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विग्रह रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।